रामविलास जी, छिंदवाड़ा के भाई दीपक जी, हेमराज जी, सरपंच हेमावत और सभी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, सभी ग्रामवासियों, सभी माता ये बात बात माने रोक सभी आज आपके गांव में 4 साल के बाद वैसे तो आते रहते हैं पर आपकी बहुत लंबे समय से सरकार बनी जब से मांग थी हमारे गांव में चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा ही इलाका अपना बीलना कोड पूरे सारे गांव की कहीं कहीं पीएससी हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और आपकी पीएससी को बजट में ही उन्होंने घोषणा कर दी और पीएससी को शुरुआत जून में करा दिया। ये कार्यक्रम जून में होने वाला था और उस दिन बरसात आने के कारण इसको स्थगित करके आज इसका शुभ मुहूर्त निकला। हमने आपकी बिल्डिंग के भी करीब 2.5 करोड़ 84 लाख 1 करोड़ आपके बिल्डिंग का भी पैसा सेंक्शन करके और आज से काम शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टर आ गया, वर्क ऑर्डर हो गया और 7-8 महीने में आपकी बिल्डिंग बनके अच्छी पीएससी शुरू हो जाएगी। और भी अभी प्रधान जी ने जो बताए आपके सारे गांव के काम जो भी आपने बताए, श्यामपुरा से सीधी महाराजा रोड भी उन्होंने पक्की डामर ही बना दी, उससे डानियों के बच्चों को आने जाने में, आम लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। आपकी ये रोड थी बगड़ी से मंडावरी और ये बाईपास अपन बना रहे हैं मंडावरी मंडी के पास, उसका भी 16 करोड़ की शुरुआत करके उसका भी ठेकेदार जल्दी काम शुरू कर देगा। एक रोड आपकी और खराब है किशोरपुरा से मारिया, उसका भी अभी सेंक्शन करा दिया, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर 2-4 दिन हो जाएगा, इसका भी काम करके ये सड़क भी आपकी अच्छी करा देंगे। क्योंकि आप ज्यादातर जब मंडावरी जाते हैं चाहे बच्चे पढ़ने जाते हो या और काम से जाते हो तो इससे क्या है आपकी ये सड़क भी हम जल्दी करा देंगे, जल्दी इसका भी शिलान्यास करा देंगे। बहुत खराब थी सड़क, उसको ठीक करा देंगे। वो काम विकास के प्रधान जी ने बताए आपके जो भी जल जीवन योजना, प्रधान जी तो 1 करोड़ की बता रहे हैं और अपने वो बता रहे हैं आ गए वो अपने कितने की है 4 करोड़ की है प्रधान जी आपके पास फिगर दी है, इनके पास फिगर रहे थे आपने लोगों के पास 4 करोड़ की पेयजल योजना जो सारी डालियों में घर घर में एक ही डाली ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर ये पाइपलाइन से पानी मिल जाएगा। हमारे और जोसोड़ा दोनों गाँव को पानी की व्यवस्था होगी और ये बहुत जल्दी इसका भी गर्मियों से पहले हम इसको भी शुरू कराने की कोशिश करेंगे। वैसे चिकित्सा में शिक्षा में सरकार ने 4 साल में अच्छा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था, आप तो कहाँ से सोचेंगे कि 10 लाख का इलाज हमको फ्री मिल जाएगा, सारी दवाइयाँ फ्री, सारी जांच फ्री, सोनोग्राफी, एक्सरे, जो भी जांच है बड़ी से बड़ी, कैंसर की 20,000 की जांच होती है वो भी पूरी की पूरी फ्री मिलेगी। 10 लाख तक का तो आपका सबका बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवा दिया, आपको कहीं भी एक पैसे की भी दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस अस्पताल में भी 400 से भी अधिक तरह की दवाइयाँ और 40-42 तरह की जांच के लिए भी हमने पहले 8 लाख के विधायक कोटे से मशीन देकर लगवा दी। आपकी छोटी मोटी जांच भारिया में हो जाएगी, सारी दवाइयाँ भी मिलेगी, बहुत अच्छी सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होगी, पानी की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, सब जगह। हमने बगड़ी को भी जो पीएससी थी 20 साल पहले खुली थी उसको भी हमने सीएससी बना के उसका भी नई बिल्डिंग बना रहे हैं। चारों तरफ कहीं भी अभी दीपक जी कह रहे थे एक बड़ा हॉस्पिटल अपने लाल चौक में डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो निश्चित रूप से रामगढ़ में हमारे जिला चिकित्सालय है। मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं दी उसका विस्तार लालसोट में नहीं पूरे राजस्थान के लिए जिस तरह का स्टेट मॉडल, पूरे देश में स्टेट मॉडल अगर कोई स्टेट है हेल्थ में तो राजस्थान। आपने देखा होगी प्रधानमंत्री जी उदयपुर के मानगढ़ आए थे, वहां
बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री जी से उनसे निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी राजस्थान का जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो मॉडल है, 10 लाख का जो फ्री इलाज है, उसको पूरे देश में आप लागू करो तो निश्चित रूप से लोगों को एक तरह से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, फ्री इलाज होगा। गरीब आदमी, आम आदमी आज महंगा इलाज, महंगी दवाइयां, महंगी जांच वो अपनी जेब से खर्च नहीं कर पाता। बहुत बड़ी योजना राजस्थान में 10 लाख तक का इलाज, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब पहले दवाई के पैसे भी लोगों के पास नहीं होते थे, दवाई के लिए भी डॉक्टर साहब से कहते थे, डॉक्टर साहब आधी दवाई लिख दो, आधी कल ले लेंगे। इस तरह की हालात हमारे देश प्रदेश में थी। आज डॉक्टर साहब तो कहेंगे कि दवाई 8 गोली लो तो 8 ही मिलती है, जितनी दवाइयां लो थी उतनी मिलती है। बहुत बड़ी व्यवस्था आपके यहाँ है सब जगह। राजस्थान में अभी पानी की जो बात है, पानी के लिए भी हीसर का प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया, बांध का काम 80% से भी अधिक हो गया। ये मुख्यमंत्री जी की पूरे दौसा जिले को बहुत बड़ी सौगात है। 4,000 करोड़ की योजना की जो लागत है, अभी आपकी जो योजना बनेगी उससे पहले जो ट्यूबवेल अगर पानी कम हो जाएगा तो सारे के सारे दौसा जिले के गाँव को हीसर का प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाएगा। पगड़ी में उसका काम भी शुरू हो गया, सारा काम कम्प्लीट है। बहुत बड़ी एक लोग भाषण देते हैं लोग ईआरसीपी का, ईआरसीपी को भी अशोक गहलोत जी लाएंगे, कोई दूसरा लाने वाला नहीं। अरे उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री रहते हुए इसी योजना के लिए अगले बजट में इतना पैसा रखूंगा बजट प्रावधान, जिससे ये योजना अपने आप साकार रूप लेगी और पूरे राजस्थान के 13 जिलों को इस योजना से जोड़ेंगे। अगर कहीं उम्मीद भी किरण दिखती है हमको, वो दिखती अशोक गहलोत, बाकी तो प्रधानमंत्री जी तो कभी बात ही नहीं करते। पहले पार्लियामेंट में समय अजमेर जयपुर में भाषण दिए गए और उसके बाद अब तो बात ही नहीं करते। ईआरसीपी क्या हमें गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया क्या परमिशन दो? अरे पानी का समझौता तो हमारे 2005 में हो गया भाई, आप कौन होते पानी रोकने वाले? आप कौन होते हमारी ईआरसीपी योजना को रोकने वाले? ईआरसीपी अशोक गहलोत से ही एक आशा की किरण है और आप देखना अगले बजट में ईआरसीपी के लिए कितना पैसा हम रखते, तो लोगों को लगेगा कि अब ईआरसीपी अशोक गहलोत 13 जिलों में लागू करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के पूरे ध्यान में है। हमसे भी बात ये कहा आप चिंता ना करें, अगले बजट में इसका पूरा प्रावधान हम करेंगे और इस योजना की शुरुआत उन्हें 10,000 करोड़ रुपए तो सबसे पहले भी बजट प्रावधान है, जिसके टेंडर हो गए काम शुरू हो जाएगा, बाकी पैसा हम और बढ़ देंगे। शिक्षा में, चिकित्सा में अपने मंडारी भी कॉलेज हो गया, पहले एक भी कॉलेज नहीं था। अशोक गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने तब लालसोट में एक भी कॉलेज नहीं था, आज 5 कॉलेज लालसोट में, एक आध कॉलेज और खोल देंगे कहीं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी के आने पर से एक चिकित्सा में, शिक्षा में, पानी में, सड़कों में जो क्रांति आई है तो मैंने तो देखा नहीं कैसा मुख्यमंत्री की राजस्थान के अलावा दूसरी जगह जो मांगे वो दे रहे, जो मांग लो वो दे रहे, कॉलेज मांग लो, तहसील मांग लो, थाना मांग लो और कोई सड़क मांग लो। आपकी ये सड़क का भी 16 करोड़ रुपए, ये भी 7 मीटर चौड़ी होगी, अच्छी सड़क बनेगी, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत बड़ी हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये सड़क दो, 16 करोड़ रुपए हाथों हाथ दे दिए। ऐसा मुख्यमंत्री भाई मैंने तो देखा नहीं, जो मांगे जो दे रहे। ये राजस्थान में जो विकास की बात है, आपके महारिया के जो काम है और भी आप बताएंगे, स्कूल के लिए भी हमने 15 लाख और दे दिए, पहले भी एक होल बनाया था और भी जरूरत होगी, खेल मैदान का भी कराया था, पहले आपके 2-3 सामुदायिक भवन भी कराए थे, आपकी तलाई देखो कैसी लबालब भरी, उसका पानी रोक दिया, जब भी देखो भगवान की कृपा ऐसी इतनी भरी तलाई मैंने कभी देखी नहीं, इतनी तलाई भरी हुई है, सारे तालाब भरे हैं, मारिया में तो वैसे ही हरियाली आ रही है, मारिया में वैसे ही सरसब्ज हो रहे हैं, इतनी तलाई मैंने मेरे जीवन में इसमें भरी नहीं देखा। लोगों ने रोकने को कोशिश की तलाई में पानी में जाओ भाई, फिर भी देखो कितना भर गया तलाई में पानी, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, जो भी करता है जो भगवान करता है। तो मैं तो यही कहूंगा मारिया ने मेरी खूब मदद की, ये चुनाव तब चुनाव था पर मारिया ने 500 से भी अधिक वोटों से पंचायत से जिताया। मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं, सरकार से जो भी मेरे से अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करूं, विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। आप और आपकी जो एक सड़क है ये अपने भोजावारी गाड़ी मैंने तहसीलदार जी को कह दिया कि इसका नाम के रास्ता क्लियर कराओ, कोई रोकने वाले रोके
उनके खिलाफ कार्रवाई करो और अगले बजट में आपको जितना पैसा सुरक्षा लगेगा उतना पैसा आपको चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 1.5 करोड़ लगे कितना ही पैसा लगे घोड़े की ढाणी का रास्ता वास्तव में बहुत ही बरसात में इतना हो जाता है वहां निकलना ही मुश्किल होता है, बच्चों के स्कूल में आना ही मुश्किल हो जाता है, कैसे आते होंगे। उस सड़क को भी हम बनाएंगे, किस राज्यों के दिया 7 दिन में इस रास्ते को क्लियर किया, नापके कर दो जो लोगों की सहमति है या नहीं है, कटा हुआ रास्ता है, सरकारी जमीन है उसमें रास्ता बना दो, किसी का भी हो अधिकरण उसको हटा दो, तो निश्चित रूप से इस सड़क को भी हम अगले बजट में मार्च में आपको पूरा इसका पैसा देंगे। ये बड़ा काम है हमारे लोगों को, सब काम हो गए, इस काम को भी हम कराएंगे। आप सब लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा, ये 20 जून को होने वाला था, आज ये 12 नवम्बर को हुआ, अच्छी आपकी PSC बनेगी, आपकी जमीन का भी अच्छा सिलेक्शन किया और हमने भी पूरा पैसा क्वार्टर सहित डॉक्टर के क्वार्टर भी बनेंगे, जो डॉक्टर ANM DNM यही गए उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी। निश्चित रूप से भवन बनने के बाद इस इलाके के लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी। आप सब लोग पधारे, मेरी ओर से आप सबका हमेशा आपका आशीर्वाद पूरा है, मारिया तो मेरे शुरू से ही कि आपका जो भी हो कोई काम होगा आपसे बात करके और भी काम करा देंगे। आप सबका धन्यवाद।